सो गाइस सब गाइस, मैं निशान है एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आज हम लोग खेलने वाले हैं शैडो ऑफ मोर्डोर अगेन। सो गाइस, ये हमारा आई थिंक थर्ड एपिसोड होने वाला है रिलेटेड टू शैडो ऑफ मोर्डोर। अब देखो, तुम्हारे को पता ही है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ, तो तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसका सीक्वल खेला हुआ है शैडो ऑफ वॉर, विच इज़ पर्टिकुलरली वाई आई एम प्लेइंग दिस गेम एक्चुअली में, क्योंकि देखो शैडो ऑफ वॉर मेरे को इतना पसंद आ गया वो गेम कि मतलब मैंने उसको 80 घंटे खेल लिया था। और मतलब उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मस्त है, बट फिर मुझे एक्चुअल में किसी ने बताया, लाइक आई थिंक आज की वीडियो में ही बताया, क्योंकि कल और परसों तो वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। और अगर किसी को रीज़न जानना है तो देखो, हम ऐसे लोग होते हैं जिनका प्लान उस दिन नहीं बनता, एक दिन पहले नहीं बनता हमारा प्लान। एंड वेल ऑब्वियसली मेरे को पता चला कि एक्शन में इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है जो कि एक्शन में लास्ट एबिलिटीज़ जो कि शैडो वॉर की है उनकी अपग्रेड है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये चीज़ पता चल गई, फॉर एग्जांपल ये है वॉल्ट अटैक वाली, क्योंकि नॉर्मली उसके अंदर लाइक और भी थे, मतलब नॉर्मल एबिलिटी थी वॉल्ट की, है ना। उसकी जो स्टन फ्रॉस्ट वाली एबिलिटी वो है ये, है ना। तो मेरे को ये चीज़ अभी पता चली, अभी हाँ अभी जस्ट ही पता चली। एंड ऑल्सो गाइज, एक्चुअली में मैंने लाइक थोड़ा सी मेहनत करी सौरॉन की आर्मी के अंदर, है ना। इवन तो मैंने सबको तो गाड़ दिया था, है ना, और लाइक सारे वॉर चीफ्स को भी मार दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा है जो कि मेरा बंदा है, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है ना दुनिया भर की, जितनी प्रॉब्लम है सारी इसकी प्रॉब्लम है। जितनी भी प्रॉब्लम है एग्जिस्ट करती है ना एक और के लिए, वो सारी प्रॉब्लम है इसके पास है, और फाइट करना बेचारे को आता है नहीं। मैं फाइट कर रहा हूँ, ये बंदा कोने में जाके खड़ा हो गया कि भाई तू कर ले, तूने बोला था ना 50-50 करेंगे, हाँ ये मेरा 50-50। भाई बहुत अद्भुत कला का प्रदर्शन करता है ये बंदा, है ना। और ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस चीज़ से तुम भली भांति परिचित हो गए। ओके, आज के लिए बहुत हिंदी हो गई, हाँ ठीक है, ओके कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई, ठीक है। तो जहाँ तक की बात आती है, तो एक्चुअल में लाइक जहाँ तक की बात आती है, तो हम थे इस टॉपिक पे कि देखो हमारा जो प्लान बनता है ना, हमारे एक दिन पहले नहीं बनता कि क्या करना है हमारे न्यू ईयर पे, हमारा प्लान बनता है उसी दिन। तो मेरे को 7 बजे मैसेज आ रहा है सुबह के कि हम लोग जा रहे हैं, मेरे को बिना बताए प्लान बन गया और हम निकल लिए। हाँ 9 बजे। अरे वो गवार, वो क्या क्या चाहते क्या हो? अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बंदा पत्थर लेने जा रहा है तेरे को मारने के लिए। Show me another treasure from your dreams. वैसे हाँ, मतलब नौकर मेरा नहीं है, उसका नौकर है एक्चुअली, है ना, ब्राइट मास्टर का अपने, है ना। तो मेरे को 7 बजे मैसेज आ जाए कि हम चल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, मुझे बस इतना पता हम जा रहे हैं। इसके आगे मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर भाई साहब मैं आता हूँ 12 बजे, वो भी किस फॉर्मेलिटी के लिए, सोने के लिए, ये करने आता हूँ मैं। और फिर अगले दिन फिर से चलो, वो तो हमने फिर भी प्लान बना लिया था कि हमारे को 9 तक निकल जाना है, और फिर आता हूँ भाई साहब मैं फिर 11 बजे आता हूँ एक्चुअली 10। ओ भाई, अरे अरे कति स्पाइडरमैन से बन गया ये तो, स्पाइडरमैन इसने नहीं चुराया मेरा दिल का चैन, ऐसा स्पाइडरमैन चीज नहीं है हमारे को। ये तो तू मेरे को बता, ये तू ऐसा क्यों रखा है भाई ड्वेन द रॉक जॉनसन, तुम्हारे को क्या लगा जॉनी भैया का नाम लेंगे हम? भाई कसम से ऐसा लग रहा है कोई बुढ़े लोग नहीं होते, या फिर वो कौन था, वो राजू था ना, वो कौन था भाई, वो छोटा भीम से। एक्चुअली इट्स टाइम फॉर मी टू यूज वन एबिलिटी, मुझे पता है आधे ज़्यादा लोग इधर ही आधे ज़्यादा लोग की इधर ही फट जाती है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सबसे बेस्ट स्टेल्थ फिनिशर है ये एक्चुअली, भाई सब लोग डर जाते, मेरे बंदे भी डर गए। किल्स देम, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही, हम इतनी मैंने अपनी हिंदी को इतना वो कर लिया, पर ये बंदा अपनी इंग्लिश को सही नहीं कर पाया। वी, पता नहीं कौन से वी पर वी, बहुत अद्भुत अंग्रेजी का प्रदर्शन कर रहे हैं ये, कुछ ज्यादा ही। वी आए को वी, तो यू क्या बोलोगे भाई, किल द आर्चर, आने तो दोस्त को। और भाई क्या हाल चाल, सब जिंदगी में ठीक? नहीं चल रहा हो क्योंकि तू मर गया अब। भाई तू बहुत बेसुरा है, मत गा, तू मुंबई नहीं जा पाएगा, ठीक है। और मेरे को एक और चीज में मजा आता है जो कि ये है, पता नहीं क्यों मजा आता है पर आता है। और तू मेरे को बता भाई, ब्राइट मास्टर मेरे अंदर है तेरा,
मैं ही हूँ तेरा ब्राइट मास्टर, मेरी को बुलाई रख रहा है? स्टिंकी रेंजर, घटिया रेंजर, चुराता है मेरे से, ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई? मेरे को मार दे तू, ऐसा कर, दो तीन पत्थर लाके मार दे मेरे को, क्या गवान इंसान है भाई? और थोड़ी तेज चल सकते सर, पूरा टाइम नहीं है मेरे पास, पनवेल निकलना है मेरे को कल, नहीं परसों निकलना था, नहीं कल निकल चुका है, अब नहीं जाने देगी मेरी मम्मी मुझे, अब बोलेगी अब नहीं जाने दे रही तेरे को, दो दिन मजे कर लिए ना, अब बस घर पे रह तू, अब क्या हो गया तेरे को? है भाई क्या हो गया? वाओ, यू गोज वी वेट्स फॉर यू। भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी पता है मैंने कभी थर्ड में भी नहीं बोली, क्योंकि मेरी थर्ड में भी ना इससे बढ़िया अंग्रेजी थी। ये भी बात है, तो गाइस फिर से आई थिंक इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। हाँ मुझे लग ही रहा था, इतना दर्द होता है तो उठाता क्यों है भाई तू? ये बता, एक तरह का तो स्पाइडर वेब ऑफ फेट वाला वो नहीं था लाइक, है ना वो वाला, ये वो लग रहा है मेरे को लाइक पुरानी मेमोरीज फ्रॉम वेब। ये कौन है भाई? ओ अच्छा, ये तो वही है कैलिब्रिम्बोर, मतलब इस रात का नाम कैलिब्रिम्बोर है, अगर किसी ने मेरी शैडो वॉर को नहीं देखा। कुछ भी कहो यार, अब आ जाएगा सौरन भैया हमारे, है ना, उसी का आना बचा और तो कुछ बचा नहीं है, लग ही रहा था। मुझे एक तो समझ नहीं आता इसका जेंडर है क्या भाई, कभी कभी लड़की लगता है मेरे को, मतले मतले मतले। It is so fine a gift. मतले, तुझे पता ना उस राजा के साथ क्या हुआ था? अभी टाइम नहीं है भाई तेरा ये सब करने का। अब ये मेरे को ऑर्डर देगा। Why do we chase these dreams? They offer no answers, only more questions. These are not mere dreams. Dreams नहीं है भाई, वो उसकी लाइफ है। Vision, my power grows stronger. तो क्या मैं पावरफुल बन रहा हूँ? तू था कौन? तू क्या था उस कट सीन के अंदर भाई? लाइक जो भी था वो, तू उसके अंदर था क्या? मुझे ऐसा लगा वो रूठ गया है मेरे से। डैलियन इतनी इतनी गवारपंथियां क्यों करता है? ओके सर, गलती करती मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो बंदा भाग गया। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे को जो करना हो कर लो। है चढ़ सकते हो ऊपर? हैं ऊपर चढ़ सकते हो? हैं चढ़ सकते हो ऊपर? है तुम्हारी इतनी औकात? ओके ये मिशन है आई थिंक। बड़ा तुम में से कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता इधर। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत था, मैं बहुत ज़्यादा गलत था। ये क्या होता है? ओके व्हाट वाज दैट एक्चुअली? चलो यूज़ करके देखते हैं। रैथ फ्लैश, अच्छा ये वो वाली एबिलिटी है। देखो मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। एंड बूम, उड़ जाओ, मर जाओ, जो करना है करो, बस मेरे सामने से हट जाओ भाई, मैं आई डोंट केयर भाई, सारे मर जाओ, मैं जा रहा हूँ। इतनी ऊपर तो नहीं चढ़ पाओगे ना, इधर तक तो नहीं चढ़ पाएंगे एटलीस्ट। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे को जो करना है करो, ठीक है, मेरी तरफ से मर जाओ। तो गाइस मेरा मन था कि मैं एक्चुअल में इसकी स्टोरी लेके जो डेड बैग है, रेड बैग है, उसकी स्टोरी कंटिन्यू करूँ, है ना। वेल आई थिंक ये गवार ही रहेगा। और अब क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके मिशन में आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, एम्बुश अबाउट द नेक्स्ट टाइम टैलियन इज स्पॉटेड लोकेटेड एट मेन मिशन। मुझे नहीं पता कहाँ है वो मेन मिशन। वही प्रॉब्लम है, अगर वो मेन मिशन मेरे को दिख जाता तब तो कुछ मेरा चांस भी था, ठीक है। बट अभी मेन मिशन मैंने ढूंढा ही नहीं है, या मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, ढूंढने वूढ़ने की बात नहीं है, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं वो कहाँ है, तो फिर यही करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं अपने जैसे कुछ क्या कहेंगे उनको, व्यक्तियों को ढूंढ रहा हूँ, या ह्यूमन जो कि मेरे को ऑब्वियसली पता है यहाँ पे रहते, क्योंकि उसने मेरे को लोकेशन दी थी, अपने जैसे इंसानों की या मेरे जैसे इंसानों की, जो भी है।
भाई किसी उसमें आउटपोस्ट डंजर में थोड़ा घुसने को बोला था भाई। दिस वॉज सपोज टू बी अ पीसफुल कैंप। ओके दिस वॉज नॉट जम्प स्केयर देना जरूरी था या कुछ और भी दे सकते थे? है कौन ये? कोई लीडर है क्या? ओके ग्रंट है, मैं लग ही रहा था तुम उससे ज्यादा उखाड़ भी कह सकते हो। मेरी तरफ वॉरचीफ मार सकते हो तो बताओ, पर वो काम तुम कर नहीं सकते। अच्छी बात है। ये कौन सा तरीका है भाई हाथ धोने का? Take you to him. क्या मेरे को ऐसा लग रहा है उसके अंदर काम करता है? ये बस दिखावा है। The Uruks have yet to discover the secrets of the blasting powder. We will need to find our men to find out. Gun powder सुना है मैंने, vampire dust सुना है, salt powder सुना है मैंने, surf excel वाला powder सुना है मैंने, मैंने दुनिया भर के powder सुने। ये कौन सा powder है भाई? I will handle the Uruks. इवन दो वो वाले पाउडर, हाँ वो थोड़े एक्सटर्नल थे, बट ये कौन सा पाउडर आ गया भाई नया मार्केट में जो हमने नहीं देखा? सो गाइस आई थिंक मेरे को कुछ हर्ब्स क्रिएट करने जो कि मेरे को लाइक पॉइजन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, विच स्पेशली मेड फॉर उरुक्स। सो मुझे नहीं पता हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं और हम लोगों को लाइक क्यों जरूरी है लाइक ये पॉइजन करना इनके ग्रॉग वगैरह को, बट जो भी है भाई करके देखेंगे भाई। अच्छा इस बंदे को पता नहीं कि मैंने इसके पीछे वाले बंदे को मार दिया। देखो गवारता की एक हद होती है और इसने ये पार कर दी। वेल फिलहाल हमारे को लाइक उस तरफ जाना है क्योंकि हमारे को किसी ग्रॉक को पॉइजन करना है। इवन दो मतलब मैं इस जगह को ऑलरेडी ख़त्म कर सकता था हल्ला के लाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ों के साथ, बट ठीक है कुछ नहीं होता। बस हमारे को ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी, ये बात है ठीक है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी आई थिंक, है ना? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना पॉइजन होने वाला है, बट ठीक है चलो अगर होगा तो अच्छी बात है। तो देखो वो वाला टाइम आ चुका है जब मैंने लाइक सारे के सारे पॉइजन मिला दिए हैं। मुझे नहीं पता जब इसके आसपास इधर ही एक था तब ये उधर क्यों गया चल के, बट आई थिंक मेरे को हाइड करना चाहिए फिलहाल। ओके नहीं करना चाहिए, कट सीन आ गया। ये कौन से नशे में है भाई? पक्का पॉइजन ही डाला था ना? यस क्या डाल दिया भाई तूने ऐसा? हेलो देर यो Come with me. Come on. Are you sure? Aaron! Aaron! It's me! It's me! It's Hagon! Didi, aapko apne apne husband pe vishwas nahi hai? Main aisa kya kar diya bhai in logon ne tere saath jo tera haal aisa hai? ये देखकर मेरे को क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि मेरी फैमिली भी जिंदा नहीं है। पीस? फिलहाल मेरे को मटर के दाने मिल जाए पीस के नाम पे, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। पता है कितने दिनों से भूखा हूं मैं, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने खाने को, खाने के नाम पे ना बस मैं ये कर रहा हूँ, लोगों की हेल्थ चूस रहा हूँ, उससे भी अब हेल्थ नहीं मिलती क्योंकि ये गेम ही दूसरा है। भाई शैडो वॉर के अंदर तो आराम से बस सक किया मिल गया, इधर पता नहीं हर्ब्स ढूंढो ये ढूंढो वो ढूंढो, कौन इधर झंझट झंझट पाल के रखे बताओ तो? मैं ये करने बैठूं या वो करने बैठूं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं इन भाई साहब का क्या कहना है। मुझे पता नहीं ऐसे को लग रहा है मेरे को स्टेल्थ अटैक देने वाला है बहुत गंदा वाला। वो भी बात है, रुठा दिया तूने उसको। सारे काम मैं ही क्यों करूं भाई, तू क्यों नहीं कर लेते काम? मैं तो इस बंदे से कोई रिश्ता ना नाता। ये बंदा अंदर है बाहर है? ओके बंदा बाहर है, फिर थोड़ा हाइट लेके चलते क्योंकि लोग क्लाइम भी कर लेते हैं उन लोगों की तरह। एंड देयर ही इज। देख भाई तू पहले से ही आ जाएगा क्योंकि मेरे को पता है मेरे से उसका कोई काम नहीं है। ये कैसे बन गया? हेलो ओके मेरे को इससे लड़ना पड़ेगा। अरे अरे भाई कंट्रोल योर इमोशन यार, मुझे पता है तेरा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा पर। A grog. I need at least 20 men to bring that beast down. Then we must find another way. मतलब
चलो ये भी ठीक है. Charging for the cave's mouth will only lead us into the grog's jaws. A well-placed arrow will do the trick here. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है. ओके सॉरी आई थिंक बेटर. देखो मेरा टाइमर रन आउट हो रहा है तो मेरे को आई थिंक भागना चाहिए. भाग भाई भाग, समय नहीं है हमारे पास, भाग अंदर घुस. वो बंदा जिंदा था आई थिंक वाला कैरेगोर. ओके भाई सिर्फ एक सेकंड बच रहा था, एक सेकंड. देखो मेरे को लगता तो नहीं कोई अंदर अंदर होगा. ओके बहुत सारे लोग हैं अंदर. ये इसके बच्चे हैं क्या भाई? लग तो नहीं रहे वैसे. नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा तेज भागता हूँ ऐसे. फिलहाल मेरे को भागना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो अंदर आ रहा होगा अब, है ना. क्योंकि मुझे लग रहा है किसी और का घर है ये. ये क्या हो रहा है भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई. इतने सारे स्टेप्स कौन चलता है भाई? इतना पूरी जिंदगी में नहीं चलाऊंगा एटलीस्ट भाई. कौन इतना वेला है? आई थिंक उसने टेक्निकली मेरी हेल्प करी बट उसने नहीं करी मेरी हेल्प. बहुत दर्द मुझे हो रहा है और विजन मेरे को उसके दिख रहे हैं. ये नहीं, ये भी नहीं कि मेरे को मेरे विजन दिख रहे हैं मेरे खुद के. मुझे पता सारी फसल इस चीज की जड़ ना यही है, यही कैलेब्रिम बॉर है. इसी ने उससे हाथ मिलाया, इसी ने वो रिंग फोर्ज करी और इसी की रिंग फोर्ज करने के चक्कर में ये सारा कुछ पंक्तियां हुई हैं. हाँ यही एक गवार है, यही पूरा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं फेस. ये नहीं होना तो भाई साहब वो बंदा तो कब का मर चुका होता. इन्हीं रिंग्स की वजह से देखो सबसे पहले तो वॉर स्टार्ट हुई. इन्हीं रिंग्स की वजह से पूरा का पूरा कंट्रोल है और इन्हीं रिंग्स की वजह से ये बंदे को इतना सारा कंट्रोल है मोर्टल्स के ऊपर. मतलब सारॉन लिटरली मोर्टल्स को कंट्रोल कर सकता है इन रिंग्स की पावर से. और ये वाली उसकी रिंग है सारॉन की स्पेशली. could accomplish such art, Celebrimbo. देखा मुझे पता था, मुझे पता, मैंने स्पॉइलर दे दिए. बट अगर किसी ने पहले नाम इसका सुना होगा तो तुम्हारे को समझ आ गया. I shaped the history of Middle-earth. I crafted the rings of power. देखा मुझे पता था. Well, obviously because I have played Shadow of War. अरे भैया क्या हो गया? कोई कष्ट पीड़ा क्रोसीन पैरासिटामोल कुछ चाहिए? सर देखो मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब है. ओके सर कुछ चाहिए सर? पानी वगैरह? अब आई थिंक नहीं चाहिए इसको. स्ट्राइक ऑफ कूल मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं. मैं एक तरह टेक्निकली अपनी पावर, मैं अपनी डेथ को अपने पास ला रहा हूँ. ओके सॉरी मैं जा रहा हूँ. ओए तू उससे नहीं, तू मरेगा. मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ. अभी चीज़ों का समय नहीं है, जिसको आना है आओ, बाद में आओ, अभी मत आओ. अरे यार, अरे नहीं 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 नहीं. ओके भाई मेरे को डर लग रहा है. सर प्लीज. ओके उसने मेरे को रास्ता दिखा. मैं जा रहा हूँ. जिसको जो करना हो करो, मेरी तरह से सारे मरो. मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से. और राइम कर गया. ओके शायरी करने का समय नहीं है, भागो. रन डाना ना 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 ना. भाग लो. जो गाने लगाने लगा और भागने से, बट मेरे को जाने दो भाई यहाँ से. भाई उनकी पटरी है. वैसे हो क्यों रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, कोई मेरे को बताएगा? बाद में आ जाऊंगा वैसे, फिलहाल इधर तो मैं. हाँ अब आया है तू, सारा कुछ खत्म होने के बाद तू अब आया है ना, बहुत बढ़िया. उसको खुद नहीं पता था अभी तक. How Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your king. Both you and your king. उसी के वैसे पूरा का पूरा मिडल अर्थ वो कर्ज जो रखा है बताओ तो. सारे के सारे कीड़े तो इसी ने फैलाए हैं. Why would it even matter? Master must remember. Yes, he must. सर देखो ऐसा मत करो, थोड़ी इंग्लिश में सुधार लाओ. मैं कुछ नहीं कहना चाहते. कसम से मैं ट्रैप्ड हो रखा हूँ इस टाइम पे.
कौन मेरी साइड पे कौन मेरी साइड पे नहीं है मेरे को कुछ नहीं पता इस टाइम पे। बस मुझे इतना पता है कि मैं वहां से जिंदा बच के आ गया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी वाली ट्रॉफी टाइप है। चलो एटलीस्ट ये वाली तो खत्म हो गई। आई थिंक मेरे को ना ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा तब जाके मैं इस तक पहुंच पाऊंगा। ये टेक्निकली वही है। जो भी है फिर तो भाई हम अगले एपिसोड तक ही देख पाएंगे इसका। बाकी मैं आपसे मतलब नेक्स्ट एपिसोड में, अगर वीडियो अच्छे तो लाइक माई चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं हम क्या करने वाले हैं। बस इतना मुझे पता है कि हमने उसकी वाइफ ढूंढ ली है। मुझे भी चाहिए यार अपने लिए, बट ऑब्वियसली वो तो मकड़ी उठा लेगी, बट मैं कुछ कह नहीं सकता। सो गाइस आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक माय चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। एंड यप है ना, नेक्स्ट इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एक गोलम वाला मिशन किया, एक और गोलम वाला मिशन किया, और एक आउटकास्ट वाला मिशन किया जो कि इज नॉट इन ऑर्डर, बट ठीक है तुम लगा सकते हो है ना। एंड जहाँ तक की बात है नेक्स्ट एपिसोड में मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमने रेड बैग के वेयर अबाउट्स देख लिए तो हम लोग उस तक पहुँचेंगे और फिर देखेंगे भाई मैंने तेरे को इधर तक तो पहुँचा दिया, अब उसके बाद आई थिंक तू कुछ करने वाला था मेरे लिए, वो कहाँ है, कहाँ है भाई, वेयर इज योर, समझ रहे तेरी कहाँ है, मतलब तू लाइक तेरे को भी अपनी बार्गेन लाइक जो तूने करी थी मेरे से बात करी थी अपनी जिंदगी के लिए वो तेरे को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बट मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा भाई, अपने आप ही आएगा मेरे पास मरते धोते रोते। बट जितना मुझे लग रहा है किसी ना किसी कैप्टन के हत्ते में पड़ गया होगा, या फिर किसी और जो ऊपर वाला जैसे ओवरलॉर्ड्स होते हैं ना तो उनके हत्ते में पड़ गया होगा ये बंदा अब, है ना कि इतना वीकलिंग कैसे आ गए यहाँ तक, तो मेरे को यही लग रहा है। बाकी मैं आपसे मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट एक चीज़ है वो है सब्सक्राइब कर देना जाते जाते।